गोरखपुर जिले में शुक्रवार को 281 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 181 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें कैंट में 55, गोरखनाथ में 22, कोतवाली में 48, तिवारीपुर में 5, रामगढ़ताल में 4, राजघाट में 5 तथा शाहपुर थाना क्षेत्र में 44, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 95 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें चरगावा में 33, खुराबार में 16, उरवा में 9, पिपरौली में 2, गोला में 1, सरदार नगर में 3, भटहट में 1, खजनी में 1, बासगांव में 7, पिपराइच में 6, सहजनवा में 3, गगहा थाना में 1, जंगल कौड़िया में 1, कौड़ीराम में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 23,116 हो गई है। इनमें 369 की मौत हो चुकी है, 21,353 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 1,394 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।